नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेज जो एमपीपीएससी और एमपी से रिलेटेड सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाया हुआ एक चैनल है अनअकैडमी का। और ये अभी इसमें मैं आपके साथ दो बार सुबह 11 बजे और शाम को 3 बजे दो बार आता हूँ। 11 बजे मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ साइंस की चीज़ें और 3 बजे हम लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं एमपीपीएससी 2019 की, क्योंकि हम तैयार हैं और लेट्स क्रैक इट। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इसको यूज़ करना है और अनअकैडमी जो है दैट इज़ वर्किंग फॉर दैट। और हमारी टीम में दिनेश ठाकुर सर, सैलन तिवारी सर, राजुल श्रीवास्तव मैम, सन्मति जैन सर, शुभम गुप्ता सर हैं, जितेंद्र राजाराम सर और मुझे, मैं आपके साथ रोज आ रहा हूँ और भी एजुकेटर्स रोज बढ़ते जा रहे हैं। डोंट वरी, हर टीचर जो है अपने सब्जेक्ट्स का बेस्ट काम कर रहा है, अपने फील्ड में एक अपना झंडा अलग लहरा रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं लर्निंग ऑफ विद एनी टीचर। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जिस भी टीचर के से पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, जिस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है उस पर मैं 11 बजे और 3 बजे आता हूँ। और अगर आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आप उस पर ये दी गई डिस्क्रिप्शन से या जो लिंक यहाँ पर दी गई है इनके द्वारा आप हमसे, हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे आपके पास लिस्ट मिलेगी उन एग्जाम्स की जिनकी आप तैयारी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं से। तो जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए आपको सेलेक्ट करना है, अपना टारगेट सेलेक्ट करना है और आप बढ़ जाएंगे, फिर उस वर्ल्ड में एंट्री हो जाएगी जहाँ पर आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं लर्निंग की, जिसमें फ्लेक्सिबल शेड्यूल टाइमिंग है, जहाँ पर आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं है, जिस समय पर आप सीखना चाहें उस समय पर सीखें, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में सीखना चाहें उस लैंग्वेज में सीख सकते हैं क्योंकि सभी लैंग्वेजेस के टीचर्स उपलब्ध हैं। प्रैक्टिस टाइम अनलिमिटेड है, जितनी बार प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्विजेस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, डिटेल्ड टेस्ट सीरीज, पूरे इतने सारे फीचर्स हैं जो आपके लिए आपके कॉन्सेप्ट को एक बिल्ड करने में वर्क कराते हैं। और देख सकते हैं आपकी, जैसे कि आप हमारे प्लस पर आप पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिनेरियो, ये पिक्चर आपके सामने दिख रही है, एजुकेटर आपके सामने ऐसे रहेगा जैसे कि आपको फील होगा कि एजुकेटर आपके सामने ही बैठा है। और आपको जो प्रॉब्लम है आप तुरंत चैट के जरिए उसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट को सॉल्व करा सकते हैं। इंटरैक्टिव पोल्स की फैसिलिटी इसमें उपलब्ध है, जिसमें आपको के एजुकेटर के साथ आप उन क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे जो वो पूछ रहा है। साथ ही साथ लर्न एनी टाइम एनी वेयर की फैसिलिटी, जिस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी इसमें मिलने वाली है, कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं। जी हाँ, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, लैंग्वेजेस और सबके बहुत सारे कोर्सेस, और इन्हीं कोर्सेस में बहुत सारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो टाइम टू टाइम अपनी क्लासेस इसमें ले रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं और आगे हम आपको बता दें कि जो सब्सक्रिप्शन की बात आती है, अगर हमारे आप सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है। आप जितने दिन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद, लेने के लिए आप जैसे ही आप लॉग इन करना चालू करेंगे, आपको एक कोड अगर यूज़ करेंगे ए बी लाइव, तो आपके लिए सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि जो सब्सक्रिप्शन 1 साल का 7,000 रुपये का है, लेकिन ए बी लाइव यूज़ करने के बाद ये 6,300 रुपये का हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारा विंडो वर्जन भी अवेलेबल है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 11,200 रुपये का है, जैसे कोड यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 10,080 रुपये। ये हमारा कंटेंट था जो आपको याद रखना है कि सब्सक्रिप्शन लेते समय कोड जरूर याद रखें, ए बी लाइव। जी, अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहले नंबर आपके पास क्वेश्चन आता है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से लिया गया है क्वेश्चन, कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बौद्ध धर्म, बौद्ध रिलीजन। उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुच्छेक शिल्पों को निम्न माना। नीचे दिए गए कूट के हिसाब से चुनना है आपको, 1, 2, बी में है 2 और 3, सी में 1, 2 और 3 और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बौद्ध धर्म के बारे में जो बात की वो है कौन सा कथन सही है। जी हाँ, सभी को इसके आंसर पता है कि बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन अगर आता है तो कोई भी वर्ण जाति को नहीं स्वीकारा
और सब उच्च कोटि को चुनौती थी, और ये तीनों जो ऑप्शन है इसके वो करेक्ट हैं। सो फर्स्ट का जो ऑप्शन है दैट इज सी, इट्स करेक्ट ऑप्शन। और आगे चलते हैं हम लोग, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए, होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, 44 का जो आंसर है आपको देना है, कौन सा कथन सही नहीं है? और ये रहा आंसर, जो कहता है कि श्रवणबेल जो गोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ये कथन गलत है, क्योंकि ये श्रवणबेल गोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंगा शासक रचमल्ल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईस्वी में बाहुबली की या गोमट की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। बाहुबली जैन धर्म तीर्थ के ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य तीनों कथन जो है वो सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। ध्यान रखें, श्रवणबेल गोला, समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? और ये आपका जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, क्या आंसर आपका आता है? और शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र, महीपाल या इनमें से कोई नहीं। सभी को इसका आंसर पता है, महेंद्र जो है इसका करेक्ट आंसर है। प्रयाग प्रस्ती की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों तथा उनके राजाओं को के नाम मिलते हैं। प्रयाग प्रस्ती से ज्ञात होता है कि कौशल का राजा महेंद्र था। दक्षिणापथ के राज्यों में समुद्रगुप्त ने पहले जीता, किंतु फिर कृपा कर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। सो प्रयाग प्रशस्ति में जो है सी आंसर करेक्ट है, जो कौशल के शासक थे। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? वंश, पाल वंश, राजकूट, प्रतिहार। और आंसर आपका ये है, ये आंसर जो है गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्राहिता को सौंप दी जाती थी। सो याद रखना आपको, गुप्त वंश इज करेक्ट आंसर फॉर दैट। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज या माधव, किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? आंसर आपको पता है, अभिनव गुप्त जो थे, एमपीपीएससी 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि अभिनव गुप्त वेदांत दर्शन के भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के तीन आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रधान स्थली कहा जाता है। कई सूक्ष्म वेदों के आधार पर इनके उप संप्रदाय एवं इनके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य, अद्वैतवाद, रामानुज, विशिष्ट द्वैत, और जो हमने अभी पिछले लेसन में भी डिस्कस किए थे, माध्वाचार्य का द्वैतवास, और जो अभिनव गुप्त का मुख्य ख्याति तंत्र का अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है, ये दर्शन के क्षेत्र में तर्कशास्त्र से जुड़े हुए थे। इसलिए यहाँ पर जो है
अभिनव गुप्त गलत है आंसर, ठीक है ना, ये इनमें नहीं थे। निम्न में से वेदांत दर्शन में अभिनव गुप्त जी का कोई कनेक्शन नहीं था, दर्शन के क्षेत्र में तर्कशास्त्र से जुड़े हुए थे ये। जी चलते हैं आगे और आंसर आपका अगला देखते हैं कौन सा आंसर आता है। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित हैं? बोरोबुदुर स्तूप कंबोडिया में, की जावा में, की सुमात्रा में, की बोर्नियो में। यूपीपीएससी मेंस में 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित हैं? बोरोबुदुर स्तूप जो है वो जावा में स्थित हैं। बोरोबुदुर प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित हैं। यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व विरासत स्थल भी है ये, ध्यान दें। शिल्पा दी कारम का लेखक था, शिल्पा दी कारम का लेखक था इलंगो परणर करिकाल विष्णु स्वामिन जी। 39वें का आंसर जो है वो आता है आपका शिल्पा, ये आंसर जो आपका आता है इलंगो आडियल था। संगम साहित्य का महत्वपूर्ण काव्य है, महाकाव्य है। चलते हैं आगे और ये है अगला क्वेश्चन। निम्न को उनके कलानुसार क्रमबद्ध कीजिए कि पहले कौन आया, फिर कौन आया और फिर कौन आया। काल के अनुसार से क्रमबद्ध बनाना इनको। 40 का आंसर जो है आज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हम कराने वाले हैं इसमें, और ये आपका आंसर आता है जो वो कहता है कि पहले एक दो और तीन चार पहले से ही सही क्रम में लगे थे। 1236 ईस्वी में रहे हैं रौनकुद्दीन। मुबारक खान 1316 से 1320 आए। 1351 में फिरोज शाह तुगलक आ गए थे और फिर आलम शाह आए थे 1445 में। और ये जो आंसर है इसके हिसाब से सी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 वॉज करेक्ट। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले और ये क्वेश्चन तो हमें पता है। कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। आंसर ये रहा, जी हाँ, ये श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, आपको ध्यान रखना है। 10% नियम किससे संबंधित है? पर्यावरण का ये क्वेश्चन है, बताया गया था पहले पर्यावरण की क्लास में जब हम इकोसिस्टम डिस्कस कर रहे थे कि 10% नियम ऊर्जा तथा खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाने में जो ऊर्जा होती है वो केवल 10% ऊर्जा अगले रूप में पहुंच पाती है। इसके लिए मैंने पिछली क्लासों में आपके साथ काफ़ी लंबा डिस्कशन किया है कि ये 1/1 सूर्य से मिली ऊर्जा का 10% जो है वो पौधे इस्तेमाल कर पाते हैं। पौधे को अगर कोई जानवर खाता है तो वो भी पौधों की जो संपूर्ण ऊर्जा थी उसका 10 इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी 90% एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो 10% जो होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है, इसी के लिए बोला जाता है 10% का नियम। ठीक है, देख सकते हैं आप आगे कंटेंट मैंने इसमें काफ़ी दिया है, आप पढ़ सकते हैं। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर होती है।
ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर होती है, 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। काफ़ी बार हमने इस पर डिस्कस किया है ओजोन परत पर कि 16 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है, तो 20 वाला ऑप्शन जो है इस पर है, दैट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसकी मोटाई जो होती है वो परिवर्तित होती रहती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे नीचे की परत वायुमंडल की कौन सी है, आंसर देना है आपको। जोर ये रहा, क्षोभ मंडल है सबसे निचली परत, क्षोभ मंडल। राज्यों पर विचार कीजिए, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। उपर्युक्त राज्यों में से किस में या किन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? कहां कहां पर उष्णकटिबंधीय सदा आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? जैसे कि आपको पता होगा, जहां अधिक वर्षा होती है वहां ये वन पाए जाते हैं, और अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण वहां पर ज़्यादा वर्षा नहीं हो पाती है, और करेक्ट आंसर इसके लिए होने वाला है वो सी ऑप्शन इज करेक्ट। राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण NRSA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में का कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? NRSA के अनुसार कौन से राज्य का कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? वनों से ढका हुआ किस राज्य का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? आंसर ये रहा, देहरादून द्वारा अरुणाचल प्रदेश का कुल जो क्षेत्रफल है सर्वाधिक प्रतिशत 80.3, ध्यान रखें इनमें से अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा हिस्सा है जो वनों से ढका हुआ है। निम्नलिखित राज्य समूह में से किन में वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% या अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है? कितने वो राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं जिनका भौगोलिक क्षेत्र में 75% से भी अधिक पर आच्छादित हैं वन? नाम सुना होगा आपने, ज्यादा वन अरुणाचल प्रदेश तो पहले ही है, फिर मणिपुर, और फिर आ जाता है आपका नागालैंड, और पहले सिचुएशन के हिसाब से बी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट। चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, बादीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरवन। बताना इनमें से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए? सभी को पता है भितरकनिका को छोड़कर सभी जो हैं वो बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, जबकि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? सभी चित परिचित हैं,
सौर ऊर्जा, सौर शक्ति जो है सबसे ज्यादा संभाव्यता वाला है, क्योंकि नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय उत्तर पूर्वी राज्यों में एक सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए स्थापना की लागत पर लगभग 70% सब्सिडी करता है और इसको भविष्य का सौर ईंधन भी कहा गया है। भारत के जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा कर्कास के अलावा पेंगामी या पेनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? और सभी को पता है कि पेंगामी या पेनाटा जो है और जेट्रोफा, इनमें क्या क्या होता है, और आंसर जो है वो आपका बी, ए और दो दोनों सही, बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में अपने आप उगाता है, प्राकृतिक रूप से उगाता है, इसको बहुत अलग से नहीं उगाना पड़ता है और इसके बीजों में लिपिड की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, इसलिए इसका यूज बायोडीजल के रूप में किया जाता है। पेंगामी या पेनाटा कई बार इनके क्वेश्चन सर नाम के लिए आते हैं कि कौन कौन से वो पौधे होते हैं, तो याद होना चाहिए जेट्रोफा और पेंगामी या पेनाटा। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर जो इसमें ऑप्शन आया है अंकलेश्वर उस समय पे था, वर्तमान का आपको सर्च करना है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? पांचवी, तीसरी, दूसरी, प्रथम। जी, सभी को पता है प्रथम सूची जो है वो इस बात को बताती है कि संविधान की प्रथम सूची में राज्य और उनके क्षेत्रों का विवरण है। अतः भारतीय संघ के नए राज्य के सृजन हेतु अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा, फर्स्ट में। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में काला धन जमा करके, सॉरी, भारतीय बैंक में जमा धन जमा करके। इनमें से पहले भी हम इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं, हमें याद आ गया है कि हमने एक दिन अभी और डिस्कस करा था इस क्वेश्चन को, तो याद रखें कि भारतीय बैंक में जमा धन जो है दैट इज रॉन्ग ऑप्शन, इस तरीके से प्राप्त नहीं किया सकती, जन्म से, देशीकरण से सबसे पॉसिबल है। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन है वो जो नागरिकता के अर्जन हेतु, नागरिकता प्राप्त करने हेतु शर्त को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग की, राष्ट्रपति की, संसद और राज्यों की विधानसभा सम्मिलित रूप से या संसद? कौन जो है वो नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियमित करता है? सातवें का आंसर आपका आएगा डी, संसद, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति इसको होगी, ठीक है। और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख में को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया जाता है? निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेरण और प्रतिषेध। जी, सभी को पता है बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्त कराने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति है, उसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रष्टालेख। चलते हैं,
सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। सेवा का अधिकार कहां से आया? संयुक्त राज्य अमेरिका से कि स्विट्जरलैंड से, ग्रेट ब्रिटेन से कि चीन से? सेवा का अधिकार। बिल्कुल सही आंसर है, ग्रेट ब्रिटेन से ये चीज आई थी। यूनाइटेड किंगडम से आई थी। ठीक है, राज्य पर निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है, इसे सिटीजन चार्टर। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? नीति निर्देशक तत्व कहां से आए हमें? 2003-2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन झारखंड में और यूपी में, लोअर सब। आपको बताना है कि कहां से मिली थी हमें प्रेरणा इसकी। तो भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई थी। कल की क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था और बस यही चाहते हैं कि धीरे धीरे करके हम आपके दिमाग में ये चीज़ें बिल्कुल डाल दें और आप कभी इन क्वेश्चन को गलत ना करें। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? संविधान की उद्देशिका में कि भारत की नीति और निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में कि नौवीं अनुसूची में? 22 का आंसर आपको देना है और आंसर है बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में, जहां पर कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति का राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता तथा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्राष्ट्रीय संधि और सुरक्षा में अभिवृद्धि के उल्लेख हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन पर सुधार की भावना का विकास करें। 20 का जो आंसर है आपको देना है कि कौन सा जो है कर्तव्य हमारे मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। सभी को पता है जो आपका 20 का आंसर है वो ये रहा। भारतीय संविधान के भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का के मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें इसमें शामिल नहीं है। ये अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता तथा मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये मूल कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं था, जो 17 के अनुच्छेद 17 में है को शामिल किया गया है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? सेकंड का आंसर आपका देना है, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। सही आंसर है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा जिनका वर्क होता है। चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है,
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के प्रति के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 24 का आंसर जो है वो 1 और 2 सही है, 1, 2 और 3 या 1, 3 और 4, और आंसर ये रहा जो आपका 24 का बी आंसर सही बताता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह एक संवैधानिक बाध्यता है, अतः बी जो है इसका सही आंसर होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, निम्न में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? योगेंद्र मकवाना, केशुभाई पटेल, छगन भुजबल, मेघा पाटेकर, इनमें से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? 15 पांचवा जो क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर जो मेघा पाटेकर, क्योंकि सरदार सरोवर परियोजना के विरोध के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेघा पाटकर ने मध्य प्रदेश के धूलिया जिले में धारंग राष्ट्र समिति की स्थापना की। 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के बाद इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया, अतः विकल्प जो है डी सही है। चलो अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन कठिन होते हैं शायद ऐसे, लेकिन आप लोगों के लिए सरल नहीं, क्योंकि सरल क्वेश्चन पूछा गया है, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के साथ बताना कि कौन सी सही थी। दुलहस्ती, गांधी सागर, उकाई, तवा, चंबल, चिनाव, ताबी, तवा, कौन सा सही है? फिफ्टी फोर का आंसर आपको देना है। और ये रहा डी आपका सही आंसर, कि दुलहस्ती चिनाव, गांधी सागर सभी को पता, चंबल, उकाई, तापी और तबा तबा कितना सरल है। 23 का जो आंसर है, निम्नलिखित में कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव और उर्वरक का कार्य करता है? नीलहरित शैवाल, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर या कवक, मूलक कवक। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव और उर्वरक का कार्य करता है? 23 का आंसर आपको देना है, और सभी को पता है नीलहरित शैवाल जो होता है इसके लिए जैव और उर्वरक का कार्य करता है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, और ये चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। केरल और तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, पूर्वोत्तर क्षेत्र सिंधु तथा गंगा। 12वां क्वेश्चन, और कृष्णा गोदावरी का डेल्टा इसके लिए बहुत फेमस है, राइस बॉल कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश के कुल कृषित क्षेत्र 3.8 मिलियन हेक्टेयर है। चावल का उत्पादन किया जाता है, 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक है, टिन का अधिक उत्पादक जो होता है भारत में कहाँ से होता है? सेकेंड क्वेश्चन आपको बताना है, भारत में टिन का सर्वाधिक उत्पादक। जी हाँ, बी ऑप्शन इसका सही है,
एकमात्र राज्य है कौन सा? छत्तीसगढ़। और दंतेवाड़ा जिले में इसकी बहुत सारी जगह पर ये बना निकलता है। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। भारत के देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। भारत में अणु खनिज सर्वत्र दुर्लभ हैं। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। आठवें का आंसर ये रहा आंसर। भारत देश की भावी ऊर्जा की मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत परमाणु ऊर्जा है। यह तभी भारत में यूरेनियम अल्प मात्रा में उपलब्ध है, इससे के लिए यह आयात पर निर्भर है। हाल ही में भारत ने अमेरिका से परमाणु ऊर्जा के संबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ज्ञातव्य है कि भारत में यद्यपि थोरियम बहुत या मात्रा में पाया जाता है, फिर भी भारत में अणु खनिज सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। तो इस हिसाब से जो है डी आंसर जो है इसका करेक्ट आएगा। चलते हैं। निम्न में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? खगोलीय वस्तु नहीं है। पल्सर, भंगुर तारा, कृष्ण मास्टर या क्वासर? 14वां क्वेश्चन है, कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? आपको पता है कृष्ण मास्टर जो है इसका सही आंसर है। कृष्ण व्यवहार या ब्लैक होल होता तो खगोलीय वस्तु हो जाती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन, 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चांद के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था। चंद्रमा के सामान्य से भी चमकदार होने के लिए कौन उत्तरदायी था? अपसौर, उपसौर, अपभू, उपभू। 22 दिसंबर 1999। आठवां क्वेश्चन जी रहा आपका आंसर। पेरिजी पर था, अर्थात इस दिन चंद्रमा की पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण यह अधिक चमकदार दिखा। 14 नवंबर 2016 को पुनः पूर्ण उपभू मतलब पेरिजी फुल मून की स्थिति में बनी थी, जिसमें चंद्रमा 60 वर्षों में सर्वाधिक बड़ा और चमकदार दिखाई पड़ा। इस स्थिति को आम बोलचाल की भाषा में सुपर मून भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फुल पेरिजी। एक स्थान की जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है वह है। एक स्थान की जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है वह है 90 अंश, 91 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूरब, 45 डिग्री दक्षिण, 91 डिग्री पश्चिम। और सभी को पता है 45 डिग्री दक्षिण। चलें, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, प्रधान मध्यान रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। चलते हैं, आंसर आपको मिल चुका है और सेवेंथ का डी। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं ऐसी तरंगें होती हैं कौन सी? ध्वनि तरंग, जो माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके कारण ये तरंगें
में संचरण नहीं कर सकती। दो उत्तरोत्तर संघ और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं जी, दो श्रृंग लगातार के और दो गर्त लगातार के किसी के भी बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, दोनों गर्तों या दोनों श्रृंगों के बीच की दूरी को, जिसको सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव थ्रू बोला जाता है, क्या बोलेंगे उसको? तरंग दैर्ध्य इसका सही आंसर है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है वो, लैम्डा से उसको व्यक्त किया जाता है। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त कर पाते, और क्यों? क्योंकि एंटीना की बूंदें, एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित कर लेती हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा का मूल दिशा से विचलित भी कर देती हैं। बताइए इनमें से कितने आंसर सही हैं? सबको पता है पूरे आंसर सही हैं, एक दो और तीन, क्योंकि एंटीना छोटे भी होते हैं, आपने देखा होगा डिस्क के। दूसरी क्या होती है, वर्षा की बूंदें तरंगों की ऊर्जा भी ले लेती हैं, और तीसरा क्या है, वो इधर उधर खिसका भी देती है उसको। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग जो होगा वो कहाँ होगा, निर्वात में कि वायु में कि जल में कि इस्पात में? ध्वनि का बात हो रही है, प्रकाश का मत बोलने लगना। ध्वनि का वेग अधिकतम, बिल्कुल सही आंसर है आपका, इस्पात में जो है उसका सबसे अधिक वेग होगा ध्वनि का, जिस पर हम लोग हमारे ध्वनि वाले चैप्टर में काफी डिस्कस कर चुके हैं। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, उसका कारण है, सभी को पता है 21 का आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पराध्वनि निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा ये आगे बढ़ते हैं, उनको पता चलता रहता कि अब आगे जाकर हम टकरा जाएंगे अगर ये ध्वनि लौट आई तो, और अभी नहीं लौटी मतलब इस तरफ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और उसी दिशा में बढ़ते जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करना, ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होना, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, पराशब्द ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराशब्द की। 22वें का जो आंसर है वो कहता है, लगाइए लॉजिक, बिल्कुल सही बात उसने कही है और आप लोगों के भी आंसर सही आए होंगे, कि दूसरा बस छोड़ दो तो बाकी सब सही है, कि ध्वनि की गति गैस में द्रव की ठोस की तुलना में अधिक होती है, क्वेश्चन तो इतना ही पूछना था जी, सी आंसर इसका करेक्ट रहेगा। एक मजदूर रेलवे की पटरी पर, बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं, सभी को पता है इसका कि क्या आंसर है इसका, अगर रेल की पटरी पर काम कर रहा है, दूसरा लकड़ी एक कान लगाए हैं तो उसको दो बार आवाज सुनाई देती है, क्यों सुनाई देती है? क्योंकि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है, तो इस्पात से पहले आ जाता है, फिर बाहर से आता है हवा से, उसको दो बार सुनाई देता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब 1 घंटे 10 घंटे जलता है, 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगी। अगर एक 100 वाट का बल्ब है वो 10 घंटे जलता है, तो बताना 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितनी विद्युत इसमें जो है ये ऊर्जा लग जाएगी, कितनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी, और आपका आंसर रहा ये, 100 वाट के बल्ब के लिए 10 घंटे तक जलाने में ऊर्जा का व्यय 100 × 10 मतलब 1000 वाट घंटा, मतलब 1 किलोवाट मतलब 1 यूनिट मतलब 5 रुपये की बिजली जल जाएगी अगर 100 वाट का बल्ब 1 घंटे तक जलता है। पता नहीं इतनी सस्ती बिजली मिलती होती तो मजा आ जाता। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है निम्न प्रतिरोधक शक्ति और उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधक शक्ति और उच्च गलनांक, 38 का आंसर है, और उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। अब देखते हैं क्या आंसर आपका सही आता है।
बिल्कुल सही है कि फ्यूज का जो तार का गलनांक निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध जो होता है वो उच्च होना चाहिए, ताकि वोल्टेज बढ़ने पर फ्यूज तार तुरंत गल ना जाए और जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाए। ठीक है, 38 का सी आंसर इज करेक्ट आंसर। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, हम लोग ने डिस्कस किया था इसमें, और जो हमारा कौन सी अक्रिय गैसें थी उसमें हमने इस पर काफ़ी लंबा डिस्कशन किया था कि आर्गन के साथ जो होता है पारद बाष्प, जिसको बोलते हैं मरकरी, या पारे की भाप जो होती है इसके अंदर डाली जाती है। 45 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फास्फर का लेप चढ़ा होता है जो वाइट दिखता है, और ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस है जैसे आर्गन को कुछ पारे की वाष्प के साथ भर देते हैं। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में के अधिमान को अधिमान दिया जाता है, प्रेफर किया जाता है, क्योंकि बिजली के बल्ब से ट्यूबलाइट को ज्यादा दिया जाता है। क्यों? प्रकार प्रकाशित विकिरणित करने हेतु अधिक बाह्य स्तर होती है, कि वोल्टेज में उतार चढ़ाव पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, कि ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। बताइए, टिप्टी का कुछ हद तक डी ऑप्शन सही है, लेकिन ये तो समझ में नहीं आता कि सी ऑप्शन अगर सही है तो फिर सॉरी इसका सी वाला सही है तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहाँ चला गया, पूरा यूज हो गया, मतलब ट्यूबलाइट गर्म भी नहीं हुई। फ्लोरोसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब केवल 10% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट 22% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देती। अब तो उसका भी यूज बंद हो गया, लोग एलईडी चलाते हैं। पीएफएल जो और तथा एलईडी लैंप में क्या अंतर है? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल पारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालकों का प्रयोग करता है। सीएफएल का औसत जीवन काल अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होती है। एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल का ऊर्जा सक्षम है, क्या क्या अंतर है बताइए? केवल एक सही है कि केवल दो, तीन और तीन और पूरे सही है? पहला तो सही लग रहा है आंसर, टाइम तो खत्म हो गया, अब आपको आंसर आ जाना चाहिए, और आंसर है एक और तीन। सीएफएल की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किस दिनांक को लागू हुआ? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किस दिनांक को लागू हुआ? आंसर आता है यहाँ पर 11 जुलाई 1955 की, 1 जून 1955, 1 मई 1955, 1 अगस्त 1956। सभी को पता है बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आता है। सिविल अधिकार अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षर कर अनुमति प्रदान की गई? दूसरा जो क्वेश्चन है, कब की गई थी इसको अनुमति प्रदान? तो सभी को पता है कि 8 मई 1955 को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पर हस्ताक्षर अपनी अनुमति मिल गई थी उस दिन। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 2 गा के अंतर्गत लोक मनोरंजन स्थान से तात्पर्य है, कौन से होते हैं वो लोक मनोरंजन स्थान? वो सभी जिसमें जनता का मनोरंजन किया जाता है, ऐसा स्थान जहाँ मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है, ऐसा स्थान जिसमें जनता को प्रवेश करने दिया जाता है, उपर्युक्त सभी। जी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किसी सार्वजनिक सवारी का उपयोग करना तथा उसमें सवारी करने से रोकना, किसी सार्वजनिक सवारी का उपयोग करना और उसमें सवारी करने से रोकना धार्मिक न्यायोग्यता, सामाजिक न्याय निर्योग्यता, कोई निर्योग्यता नहीं है, उपर्युक्त सभी। सामाजिक निर्योग्यता है स्पष्टीकरण 7 के अनुसार। यदि कोई व्यक्ति कारोबार के अनुक्रम में अन्य व्यक्ति को माल बेचता है, उसी समय स्थान पर अस्पष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति को माल बेचना या सेवा से इनकार कर देता है तो दंडनीय होगा, बताइए क्या, कितना उसको कारावास होगा? बिल्कुल सही, 6 माह से कारावास और 1 साल से तो कम नहीं होगा, सॉरी 1 माह से कम नहीं होगा, 6 माह से अधिक, 6 माह तक हो सकता लेकिन 1 से कम नहीं होगा, 1 महीने से 6 महीने तक।
यदि कोई व्यक्ति यदि कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसा व्यक्ति और कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी के का भार साधक है जब अपराध हुआ, कंपनी का निर्देशन या प्रबंधक, सचिव या अन्य प्राधिकारी या उपरोक्त सभी। जी, यदि कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तो कार्रवाई किसके विरुद्ध होगी? 43 का डी ऑप्शन है, सभी के विरुद्ध होगी, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्राप्त है, 47 का जो है आंसर बी 14 आ, सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण प्राप्त है, और ये कहता है कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवक के पदीय कृत्यों को निर्वहन करने हेतु करते हुए अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले अपराध के लिए अभियोजित किया जा सकेगा, अभियोजित सॉरी नहीं किया जा सकेगा कि किया जा सकेगा। और यदि केंद्र सरकार का अधिकार है तो केंद्र और राज्य सरकार का अधिकारी है और राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना अभियोजित नहीं किया जाएगा। 49 का आंसर है, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। अस्पष्टता का अंत करने के लिए प्रत्याभूत अधिकारियों का संबंधित व्यक्तियों का फायदा उठाने के लिए राज्य सरकार ने क्या कर्तव्य अधिनियम में उपबंधित किए? पर्यावरण अधिकारियों की नियुक्ति करना, अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति करना, विधिक सहायता देना, उपरोक्त सभी। जी, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। आंसर पहले आ गया था तो आप लोगों को पता चल गया होगा। सो इट वॉज फॉर अस फॉर टूडे, और आगे की क्लासेस में हम और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आएंगे। आज हम आपसे क्वेश्चंस लाइव डिस्कस नहीं कर पाए तो कंटेंट भी हम तरीके से समझा नहीं पाए बिकॉज ऑफ द टाइम प्रॉब्लम, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए थे जिनको जल्दी से जल्दी मुझे कवर कराना था। सो जो लोग आंसर दे पाए वेरी नाइस, और अपने आंसर्स को अपने कंटेंट के साथ मिला लें और करंट के साथ बिल्कुल जुड़े रहें क्योंकि कुछ क्वेश्चंस करंट के बाद बदल जाते हैं। और मैं बता दूं यहाँ पर कि अगर आप मेरे सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो 1 महीने से 24 महीने तक का कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो ए बी लाइव जो कोड है मेरा यूज़ कीजिए और आपको मिलेगा इसमें डिस्काउंट 10% का। 11,200 की बजाय 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है केवल 10,080 रुपये में। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 7,000 की बजाय आपको मिलेगा 6,300 रुपये में अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे तो। 1 महीने से लेके किसी भी सब्सक्रिप्शन में आप मेरा कोड यूज़ कीजिए और 10% का लाभ लीजिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक मेरे नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दें, और लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।